तैयार हो ना भैला। हाँ यहाँ सब तैयारी हो चुकी है। तुमने राजा आप क्या आप पेरा की खेती करने वाले हैं क्या? नहीं नहीं आपको क्या लगता है कि आप इसे मिट्टी में गाड़ेंगे तो इसमें से क्या एक और आत्मपुरुष बाहर निकल के आएगा क्या? तो सब मैं नहीं बोल रहा। मूर्ख, मैं जो भी कर रहा हूँ वो तिम्नासा की योजना का एक हिस्सा। पार्टी के दौरान तिम्नासा किसी ना किसी बहाने से इस विवान को यहाँ जरूर लेकर आएगी, और जैसे ही विवान का पैर इस आत्महीरक पर पड़ेगा वो भी सर्वकाल की तरह सिर्फ एक ऊर्जा का गोला बन कर रह जाएगा और उसकी सारी शक्तियाँ नासा को मिल जाएगी। यानी वो सफोला भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वाह, इस बार तो भैरानी की जीत पक्की है। ये लीजिए लीजिए। ए मिश्रा जी, ये क्या है? पार्टी में बुला क्या सादा पानी पिला रहे? अरे छेड़ा जी, ये बीएमसी के नल का पानी नहीं है, ये इंपोर्टेड वाटर है, टॉनिक वाटर, 1,000 रुपए पर लीटर। सुना तूने रिंकू? हाँ, ये मिश्रा अंकल तो बहुत हेवी ड्यूटी फेंक रहे हैं। वाकई बहुत टेस्टी है। क्या बोल रहे हो मम्मी, ये तो टैप वाटर है। जिनके यहाँ गेस्ट बन के जाते हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। सॉलिड आइडिया है वो। मैं ना इसको घर पे लेके जाती हूँ। वो क्या है ना, 1,000 रुपए लीटर का पानी है ना, तो बहुत महंगा है ना। अरे इसकी तो एक एक बूंद एकदम कीमती है, बोलो है ना? बराबर दिवाली, बराबर। हाँ। घर पे ले जाएंगे। हाँ। बालवीर, शौर्य मुझे कुछ जरूरी संदेश देना चाहते हैं। क्या बात है शौर्य? बालवीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर्वकाल ने थोड़ी देर पहले मुझे संपर्क किया था। हमारे पास उसकी शक्ति को विवान के शरीर में पहुंचाने के लिए सिर्फ 3 प्रहर का समय है। सिर्फ 3 प्रहर? हाँ, और अगर इस बीच सर्वकाल की शक्ति विवान के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई तो। ओ हेलो, पानी का ग्लास छोड़ के सीधा टंकी से पानी पी रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पानी पीने आया था, लेकिन अभी अपना चेहरा देख रहा हूँ। कितना स्मार्ट हो ना मैं। यहाँ पे शीशा होते हुए तुम पानी में अपना मुंह देख रहे हो? वो वैसे भी बंदर चाहे अपना मुंह पानी में देखे या शीशे में, दिखेगा तो वो बंदर ही ना। देखा है मैंने। What the F? पानी। मतलब तुम मुझे बंदर बोल रही हो? नहीं, मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलने आई थी। थैंक यू काय को? विवान को इस पार्टी में लाने के लिए। आई जस्ट होप उसका मूड अब ठीक हो जाए। ये पार्टी है ना, खाना है ना डांस है, और ऊपर से बीएनएमसी का पानी बॉटल में भर के पिला रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना पार्टी होती। मिश्रा जी भी एकदम कंजूस है, तुम्हारे मकान मालिक। ऐसे में विवान का मूड कैसे ठीक होगा? मेरे पास एक आइडिया है। नहीं नहीं, क्या? अरे बताओ। ये रनिया भी मेन बारिश की तरह कभी भी टपक जाती है। क्या करूं, शौर्य से बात भी अधूरी रह गई। मेरा डाउट सही था। चिंटू पार्टी देने के लिए इतना एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि तिम्नासा ने उसे अपने वश में कर रखा है। इस बारे में मुझे तुरंत विवान को बताना चाहिए कि तिम्नासा फिर से रूप बदलकर
यहाँ पार्टी में आ गई। लेकिन विवान की नजरों में तो मैं देबू हूँ। डायरेक्टली विवान को ये नहीं बता सकता। विवान, हाँ क्या हुआ? चलना रिंकू को दिखाते हैं कि भारत नगर वालों की पार्टी कैसी होती है। नहीं आज नहीं, तुम दोनों एंजॉय करो। अरे यार, हर पार्टी में शाइन करने वाला विवान आज इतना डल सा क्यों लग रहा है? कहाँ गायब हो गई तमन्नासा? विवान का ध्यान मुझे तुरंत तमन्नासा की तरफ करना होगा, किसी भी तरह। अरे ओ हेलो, हेलो नो व्हाट ओनो, तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे तुम्हारी कोई फ्लाइट छूट गई है। हाँ वो एक्चुअली वो आगे बोलो। एक्चुअली पार्टी बहुत बोरिंग हो रही है ना, तो इसलिए मेरे मुंह से पार्टी को देखकर ओ नो निकल गया, लेट रिएक्शन यू नो। आई नो, बट डू यू नो कि तुम खुद कितने बोरिंग हो? मैं बोरिंग नहीं हूँ, हेलो मैडम, मैं डीप हूँ, एकदम ओशियन की तरह। एनीवेज तुम ये कचरा लेकर कहाँ जा रही? ओ हेलो, ये कचरा नहीं है, ये मैजिक टूल्स हैं। मैं बच्चों के मूड के साथ साथ विवान का भी मूड ठीक करने वाली हूँ मैजिक शो करके। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक क्या, तुम भी मेरे साथ चलो मेरे असिस्टेंट बनके। चलो फॉलो। असिस्टेंट मैं? अरे एक तरफ शौर्य से बात अधूरी रह गई कि तीन पहर में क्या होने वाला है, और ऊपर से तमन्नासा यहाँ खतरा बनकर मंडरा रही। रानी, आपने मुझे याद किया? जाओ जाके भैमार को खबर करो, उसकी जल्द जरूरत पड़ेगी। राजा, ऐसा कौन सा तीर मार सकते जो मैं नहीं मार सकता? अब रानी उनकी कोई जरूरत नहीं, आप मुझे बताइए क्या करना है। समझ गया, एकदम समझ गया, अभी जाकर संदेशा देता हूँ राजा को। तो डॉक्टर सालिनी जी, आपको कैसा लग रहा है मिश्रा फैमिली की पार्टी में आके? इतने सारे बच्चे चहल पहल, वैसे भी इन सारे बच्चों की डिलीवरी आप ही के हाथों तो हुई है। क्यों करुणा जी, या फीलिंग रियली ग्रेट, और सबसे अच्छी बात तो वो आपका टॉनिक वाला वाटर था। अच्छा, स्विट्जरलैंड वाला, थैंक यू। अटेंशन एवरीबॉडी, अटेंशन, अरे आइए आप सब लोग बैठिए प्लीज। मुझे लग ही रहा था कि आप सब लोग बोर हो रहे होंगे, तो मैं आप सब लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा मैजिक शो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन और प्यारे बच्चों, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक मैजिक शो लेके आई हूँ, तो क्या आप लोग रेडी हो? ओके, तो मेरी फर्स्ट ट्रिक ऐसी है जिसमें विवान को यहाँ बुलाऊंगी। गुड वर्क अनन्या, शायद ये सब करने से विवान का मूड ठीक हो जाए, क्योंकि तमन्नासा से लड़ने के लिए विवान को अब तैयार करना ही होगा। विवान यहाँ आएगा और इस बॉक्स में एक कप डालेगा, जिसको मैं मैजिकली कबूतर में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। कबूतर? अरे वाह, ये जादू तो हैरी हुडिनी भी नहीं दिखा पाए। कौन हुडिनी? वो एक बहुत बड़े मैजिशियन है, और 1874 में उनका जन्म हुआ था। और पता है उनका असली नाम क्या था? हाँ हाँ रिंकू, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ठीक है। शालिनी बहन, आपका लड़का है ना बहुत पक्का, बहुत सोचता है ने? बहुत होशियार है वो। मैं अपने भाई को इतना सैड नहीं देख सकती, मुझे उसका मूड ठीक करना ही होगा। तो विवान आ जाओ यहाँ पे। नहीं नहीं अनन्या दीदी, आई एम ओके,
प्लीज किसी और को ले लीजिए। नहीं नहीं विवान, इस मैजिक को वही बच्चा कर सकता है जिसके नाम वी से स्टार्ट होता हो। जैसे वी से विवान, तो आ जाओ। कम ऑन विवान, मैजिक शो तो हर बच्चे को पसंद होता है, तो फिर ये चिंटू शो छोड़कर कहाँ भाग रहा है? ये तमन्ना क्या करवाने वाली है चिंटू से? तो अब इस कप को तुम इस बॉक्स में डालो। ओके, तो अब इस कप को मैं मैजिकली कबूतर में कन्वर्ट करने वाली हूँ। आर यू ऑल रेडी? हाँ। आबरा कडाबरा गिली गिली थ्रू। तो अब ये कप एक कबूतर में बदल। कोई बात नहीं गाइस, कब कबूतर में बदले या सॉक्स में, हुआ तो मैजिक ही ना। विवान को अब एक्शन में लाने का टाइम आ चुका है। अब मैं आप सब लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी सेकंड मैजिक ट्रिक। अरे छोड़ भैया, विवान, अरे मुझे आंख में कुछ दिख नहीं रहा क्लियरली। क्या हुआ दिमाग में? कचरा लग गया, देखो ना। एक मिनट। अब विवान को चश्मे में तमन्नासा का रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। देखो कुछ गया क्या? हाँ, कुछ दिख रहा है। देखो भैया, आपके आंखों में कचरा नहीं है बल्कि आपके चश्मे के गिलास में कचरा। एक मिनट लाइए, मैं साफ कर देता हूँ। चलो लाओ, अब वो मेडिसिन मुझे दे दो ताकि मैं विवान और उसकी पलटन का पेट खराब कर सकूं। दो। देखो, तुम्हारे कंजूस पेरेंट्स ने यहाँ गेस्ट को सिर्फ पानी सर्व किया है, और अगर पानी में यह मेडिसिन हमने मिला दिया तो सबको पता चल जाएगा। ये लीजिए। थैंक यू। देवो की आंखें अभी क्लीन है, तो नेक्स्ट क्या सीन है? कंटिन्यू। तो अब मैं अपनी सेकंड मैजिक ट्रिक करके दिखाने वाली हूँ, ठीक है? विवान को इतना उदास मैंने कभी नहीं देखा, आखिर बात क्या है? विवान का ध्यान तमन्नासा की तरफ कैसे ले जाऊं? आबरा कडाबरा गिली गिली। What an idea, देवो। अब मेरे पास भी एक मैजिक ट्रिक है। मेरा मैजिक शो हिट हो गया तो तुम लाइमलाइट में आ गए। चुपचाप यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हें भी कबूतर बना दूंगी। थैंक यू अनन्या। तो जैसा कि आप सबने देखा कि अनन्या जी एक कप में से कबूतर नहीं बना पाई, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे एक मैजिक ट्रिक आती है। मैं अनन्या को यहाँ से गायब कर सकता हूँ, और वो भी इस लाल कपड़े की मदद से। तो आइए मैडम जी। और विवान, तुम वहां जाके खड़े हो, यहाँ से देखना। हाँ हाँ, तो रेडी? अब मैं एक मंत्र बोलूंगा और अनन्या जी यहाँ से गायब हो जाएंगी। ओके, हुड़हुड़ फुड़फुड़ पानी में बुड़बुड़, अनन्या हो जाए फुर। अब अनन्या जी गायब हो जाएगी। अनन्या हो जाए फुर। क्या देवू? अगर ये मेडिसिन पानी में नहीं मिक्स हो सकती तो फिर मैं इसे मिक्स करूं किसमें? जूस। तुम्हें अपने गेस्ट को जूस सर्व करना होगा, तभी हम ये मेडिसिन मिक्स कर पाएंगे। घर में जूस तो है, लेकिन अगर बिना परमिशन के सर्व किया तो पापा डांटेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें अपने पापा की डांट से इतना ही डर लगता है तो मान लो विवान से हार। नहीं नहीं नहीं, विवान से जीतने के लिए तो मैं अपने पापा के पापा से भी डांट खा सकता हूँ। देखा, तुम्हारी मैजिक ट्रिक से भी विवान नहीं हंसा। कोई बात नहीं, अब स्लैपस्टिक कॉमेडी करनी पड़ेगी, करते हैं। आप तो देखा सबने कि अनन्या जी का मूड नहीं है गायब होने का, इसलिए वो यहाँ से गायब नहीं हो पाई। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मूड है गायब होने का। अच्छा, अब ये गायब होगा, इसलिए अनन्या जी अब मुझे गायब करेगी। ये लीजिए।
अरे अरे मंत्र तो बोलिए, फुरहुर फुरफुर देबू हो जाए फुरफुर फुरफुर पानी में बुड़ 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 फुरफुर। अरे देबू भैया वो क्या चकनाचूर। देबू भैया ये आप क्या कर रहे थे? तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था विवान। देबू भैया कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं चोट तो नहीं लगी लेकिन दुख रहा है। एक मिनट देखो तो देखो मिरर में कुछ दिख रहा है क्या? देखो देखो ना देखो 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 है देखो भैया कहाँ दुख रहा है? तुमना सा चलो लाओ वो मेडिसिन मुझे दो। शाबाश ये हुई ना बात। ये लो। यस फाइनली देख लिया विवान ने तमन्नासा को। नहीं पीछे के दरवाजे जाता हूं। नहीं लगा है। अरे सुनो 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 एक घर मिश्रा अंकल का है पार्टी हमें चिंटू दे रहा है और कामिनी आंटी ने हम सबको टॉनिक वाटर पिलाया है ना तो फिर मैजिक किसे दिखाना चाहिए? मिश्रा अंकल और आंटी करेक्ट रिंकू। अरे नहीं 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 मुझे कोई जादू वादू नहीं आता भाई। नहीं आता? अरे तो डांस ही करके दिखा दीजिए। हाँ डांस कर लीजिए। अरे आइए आंटी आइए। अरे कहाँ फंसा दिया विवान ने? इम्मी आंटी यहाँ रूप बदल कर आई है इसका मतलब उनका जरूर कोई एवल प्लान है। हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। मैं चाहता हूँ उन्हें ढूंढने। लेकिन अगर तमन्नासा यहाँ अपना रूप बदल के आई है तो हम उसे ढूंढने के कैसे? उसे ढूंढने के लिए हमें मिरर की जरूरत है। मिरर? हाँ ये लो मिरर में तुम्हें तमन्नासा असली रूप में दिखेगी। पर तुम कैसे ढूंढोगे? मैं बेडरूम से मिरर ले लूंगा। अब जाओ जल्दी। मेरा प्यार कोई बड़ा काम होता तो मैं खुद ही कर लेता लेकिन शायद कोई छोटा मोटा काम है इसलिए भैरानी ने आपको याद किया। नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं खुद ही विवान के सामने आ जाऊंगी बस उससे पहले चिंटू अपना काम कर ले। तब तक मुझे विवान को भटकाना होगा। अच्छा वो यहाँ पे वो गोपू नहीं है नहीं तो उसके लिए एक और ग्लास भरना पड़ता। ये ग्लास उस विवान का, ये ग्लास खुशी का, ये ग्लास उस रिंकू का और ये ग्लास देवो भैया का। अब नेक्स्ट 10 डेज तक तुम सब लोग रेस्ट रूम में रेस्ट करोगे। ये क्या पता नहीं तमन्नासा ने चिंटू को क्या दे दिया है। मैं ये जूस किसी को भी पीने नहीं दे सकता। अगर तुमने मुझे यहाँ अपनी तरह ये बच्चा बनने के लिए बुलाया है तो ध्यान से सुन लो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसका मतलब तुम काल लोग के लिए कुछ भी कर सकते हो? ये तुम्हारा दावा झूठा है। खैर मैंने तुम्हें यहाँ वही काम करने के लिए बुलाया है जिसके तुम लायक हो।
कैसा काम? काम को अंजाम देने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। लगता है मुझे अपने पावर विजन का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं पूरे भारत नगर को एक साथ स्कैन करके पता लगा सकूं क्या कर टिम्मी आंटी है कहां। अब होगा फाइनल बैटल। तुम मुझे नहीं अपनी मौत को ढूंढ रही हो अनन्या। विकेत तिमनासा बच्चों की पार्टी में छोटी बच्ची के रूप में आई है। मोमबत्ती कोई डेंजरस डिवाइस तो नहीं है? तिमनासा इससे पूरे घर में आग तो नहीं लगाना चाहती? शुक्रिया शुक्रिया। तो भाई और बहनों, आप सभी का होस्ट और दोस्त लेके आया है आप लोगों के लिए कमाल का मैजिक। अरे हमें पता है चिंटू कि तुम चार क्या 10 ग्लास जूस एक साथ पी सकते हो। नहीं 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 खुशी, तुम गलत समझी हो, ये जूस मैं नहीं पीने वाला। तो फिर जादू क्या है? जूस तुम लोग पियोगे और खाली ग्लास को मैं फिर से भर दूंगा। अरे वाह। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ये पापा चुप करिए ना। तो भाई और बहनों, ये जूस पिएंगे खुशी, रिंकू, विवान। विवान? विवान और देवो भैया कहाँ गए? यहीं तो थे। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? मैं देखकर आती हूँ विवान को। लगता है मुझे अपने पावर विजन का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं पूरे भारत नगर को एक साथ स्कैन करके पता लगा सकूं क्या कर टिम्मी आंटी है कहां। विवान, बेटा क्या हुआ तुझे? मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि विवान तू शरारत करना बंद कर दे, पर सच बताऊं अगर तू वाकई शरारत करना बंद कर देगा तो मैं तो और ज्यादा टेंशन में आ जाऊंगी। तू जैसा है ना तू वैसा ही अच्छा लगता है मुझे। ये बदला हुआ सीरियस टाइप विवान मेरा नहीं है। सच बता क्या हुआ है, क्यों परेशान है? नहीं मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोलो नहीं, सुनो, अपनी माँ से कोई दुख नहीं छिपा सकते तुम। बता किसी से झगड़ा हुआ है तेरा? तिमनासा से तुम्हें बचाने के लिए एक ऐसी माँ के पास धरती लोक पर छोड़ा जो तुम्हें अपनी संतान की तरफ प्रेम कर सके। बेटा क्या हुआ है? उसकी मम्मी रोज कोको की याद आ रही थी इसलिए थोड़ा सैड फील हो रहा है।
सच में और कोई बात नहीं है? नहीं मम्मी, हाँ एक और बात है। क्या? अब वो जरा जोर से लगी है, मैं अभी आता हूँ। विवान सर, विवान मुझे सच बात नहीं बता रहा है। अरे चिंटू तुम जादू दिखाओ। अरे रुक जाना रिंकू, विवान को तो आने दे। अरे विवान और वो लोग आ जाएंगे, तुम जादू शुरू करो। ठीक है, ये जूस तू भी ले। अरे 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 अरे, अरे मिश्रा जी आप ये मैजिक ट्रिक दिखाने के लिए 4 ग्लास इंपोर्टेड जूस बर्बाद करने देंगे? नहीं 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 पापा। बिल्कुल सही कहा तुमने देवू। चिंटो तुम्हें जादू दिखाना है तो टॉनिक वाटर के साथ दिखाओ, जूस के साथ नहीं। मम्मी देखिए ना, पापा मेरा टैलेंट दबा रहे हैं। मिश्रा जी खबरदार, मेरे बच्चे को कुछ भी कहा तो। अरे बेटा चिंटू तुम्हें जादू दिखाना है ना तो तुम्हें खाली ग्लास चाहिए, तो ऐसा करता हूँ ये जूस मैं पी लेता हूँ। अरे नहीं 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 पापा नहीं नहीं। अरे और अब एक ग्लास जूस पिएंगे तुम्हारी माँ। ये लो कामनी पी जाओ। पापा ये विवान के लिए छोड़ दीजिए ना प्लीज। विवान को इतना महंगा जूस थोड़ी ना पिलाएंगे, ये तुम पियोगे, तुम्हारी सेहत बनेगी और दिमाग भी तेज होगा। नहीं 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 पापा नहीं 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 मैं नहीं पी सकता। नहीं नहीं पापा नहीं नहीं प्लीज नहीं पापा नहीं नहीं। वेरी गुड। शाबाश। आई होप विवान और अनन्या ने अब तक तिमनासा को ढूंढ लिया होगा। और ये मोमबत्ती बुझ क्यों नहीं रही है? ये मोमबत्ती बुझे या ना बुझे, तुम्हारे जीवन का दिया जरूर बुझेगा। हेमार तुम? हेमार? ध्यान से देख, तुम्हारी मौत। हेलो विवान, विवान, विवान! मेरी योजना का हर कदम सही तरह से पूरा हो रहा है। अनन्या को भैमार संभाल लेगा, अब सिर्फ चिंटू अपना काम पूरा कर ले फिर। अच्छा चिंटू अब तो ग्लास खाली हो गया, अब तो जादू करके दिखा दो। खुशी मैं तुझे एक मिनट में जादू दिखाता हूँ, ठीक है? मैं वापस आया। मैं 2 मिनट में आई हूँ। ओह तो इसका मतलब तिमनासा ने चिंटू को सिर्फ पेट खराब करने की दवाई दी थी, लेकिन ये बात तो बहुत स्ट्रेंज है। काल लोक से तिमनासा सिर्फ इसीलिए आई थी, और शौर्य को सर्वकाल ने जो 3 घंटे का समय दिया है वो किसके लिए है? मेरी सूचना देने के बाद भी विवान अब तक क्यों यहाँ नहीं पहुंचा है? मेरी अनंत ऊर्जा को तिमनासा के गलत हाथों में पहुंचने से रोकने के लिए अब मुझे अपना अंतिम दांव चलना पड़ेगा। पता नहीं मुझे कब तक इसकी चौकीदारी करनी पड़ेगी। कहीं विवान के बजाय किसी और का पैर इस आग पर हिरक पर पड़ गया तो उसके तो चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। पदमा, ये तोबा तोबा बैकयार्ड में गोल गोल चक्कर क्यों लगा रहा था? आप कौन जाने आया पहने ये डिम्मी आंटी का। अब देखो करुणा कैसे तुम्हारा प्यार तुम्हारे बेटे की जान पर भारी पड़ेगा।
मेरी योजना के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आज विवान का आखिरी दिन है। विवान का नाम कौन ले रहा है? कौन है वहां? रुको, अरे रुको, रुक जाओ। कौन हो तुम? हाँ, विवान का नाम क्यों लिया तुमने? अरे करुणा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? तनीषा, तुम लंदन। आई आई। तनीषा, तुम तो लंदन चली गई थी ना, फिर वापस कब आई? तनीषा इंडिया वापस कब आई और उसने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं? रुको, माँ, कहीं मम्मी मुझे ढूंढे ढूंढे पैकेट में ना पहुंचे। मनु, मुझे उन्हें रोकना होगा। पहले तो मैं चौकीदारी करता था, लेकिन अब मैं आपका अंगरक्षक बन गया हूँ। अरे अरे, कहीं आपका पैर गलती से इस आठ महीने रख पर पड़ गया होता ना, तो आप तो दिवाली के अनार के दाने की तरह फट जाती। बम! कौन हो? कौन तुम? छोड़ो मुझे, तनीषा, क्या हो रहा है ये? ये आप मुझसे नहीं करुणा जी, बल्कि खुद से पूछ, क्योंकि आपने ही तो अपने बेटे के दुश्मनों को घर में मेहमान बना के रखा था। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? संक्षेप में समझाती हूँ कि आज आपके प्यारे बेटे विवान का इस धरती पे आखिरी दिन होगा। क्योंकि जैसे ही आपके उस प्यारे से बेटे का पैर इस पर पड़ेगा, वैसे ही आपका बेटा बूम। तनीषा! सारा हिसाब किताब पूरा करता हूँ तुम्हारा। अकाउंट्स तो मुझे भी क्लियर करने हैं भैमार। लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। No chinta, no fear, when dost is here. What an entry, Nakapush. Thank you. तुम धरती वासियों की वो कहावत एकदम सही है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है।
आज तुम दोनों की चिताएं साथ में जलेंगे। वाह, लेकिन भैमार, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक पतले धागे जितना फर्क होता है। बिल्कुल सही कहा। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में जो धागे भर की चौड़ाई का फर्क होता है वो मैं आज तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। मतलब तुम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो और ओवर स्मार्ट भी। वाह, लेकिन डोंट वरी, आज मैं तुम्हें पंचेज और किक्स का ऐसा तालमेल दूंगा, ऐसा ओवरडोज दूंगा कि सब कुछ लेवल में आ जाएगा। नाइस ट्राई, वंस मोर, कम ऑन। दो लोगों के बीच में आने से पहले क्या बोलना चाहिए ये नहीं सिखाया तिम्नासा ने? सिखाया था पर मैं भूल गया। कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी। लेडी लेडी शांत हो जाइए, रिलैक्स रिलैक्स अनन्या। आई वोंट रिलैक्स, इसने और तिम्नासा ने मिलकर मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। हाँ, बट ये सबकी जिम्मेदार तिम्नासा है, इस अकेले भैमार की क्या मिस्टेक, लीव हिम अलोन। नकाबपोश की बात मानो अनन्या, वैसे भी मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ, मुझ पे अपनी शक्तियाँ जाया करने का कोई फायदा नहीं है। भैमार यहाँ पर क्या सस्पेंस छोड़ के गए? कहीं ये विवान से हमारा ध्यान हटाने के लिए तिम्नासा ने तो नहीं भेजा था इसे? विवान नहीं, आगे मत बढ़ना बेटा। तिम्नासा, ये लड़ाई मेरे और तुम्हारे बीच की है, इस लड़ाई में मेरी मां को मत लो। मैं कहा तुम्हारी माँ को बीच में लाई हो विवान, अपनी माँ को तो तुम बीच में लेकर आए हो। अगर तुम्हें अपने परिवार की थोड़ी भी चिंता होती ना तो तुम मुझसे युद्ध करने की सोचते भी नहीं। विवान ये तो कैसी बातें कर रहा है, जा जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर। करुणा जी, बहुत बोली है आप, इस दुनिया की कोई भी पुलिस या फिर इस दुनिया की पूरी आर्मी क्यों ना आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझे कोई नहीं हरा सकता और ना ही कोई मुझसे टक्कर ले सकता है सिवाय एक इंसान के। जानना चाहती है कौन है वो इंसान? अगर कोई मुझसे टक्कर ले सकता है तो वो है ये। यही है वो छुपी हुई शक्ति। तुम्हें क्या लगा था विवान कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम ही हो वो छुपी हुई शक्ति? लेकिन कुछ भी कर लो, मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध में जीत सिर्फ मेरी होगी। तिम्नासा, मेरी माँ को छोड़ दो वरना। आवाज नीचे करके बात करना विवान, क्योंकि इस वक्त तुम मुझे चेतावनी देने की हालत में नहीं, तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है। और अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी माँ को अपने साथ काललोक लेकर जाऊंगी। अगले 5 मिनट में द्वार खुल जाएगा और तुम्हारी माँ मेरे साथ काल लोक चलेगी। तिम्नासा, मेरी माँ को छोड़ दो। अब जैसे ही विवान अपनी माँ को छुड़ाने मेरी तरफ बढ़ेगा तो उसके पैर आत्महीरक के ऊपर पड़ेंगे और विवान की सारी शक्तियाँ एक ऊर्जा पुंज में बदल जाएगी। उसके बाद मैं विवान को भी अपना गुलाम बना लूंगी। अरे सोच क्या रहे हो विवान, अगर हम तुम्हारी माँ को घोड़े के अंदर लेकर गए तो तुम्हें तुम्हारी माँ वापस कभी नहीं मिलेगी।
माँ विमान आगे मत बढ़ना माँ अरे जल्दी करो विमान आगे मत बढ़ना विमान आगे खतरा है विमान पकड़ना था इस विमान को लेकिन अब इसमें इसकी माँ भी गायब हो जाएगी मम्मी आगे गोली ना प्लीज मम्मी मम्मी आगे गोली मम्मी, मम्मी मैं आपको गुट्टी में नहीं दूंगा प्लीज मम्मी आगे बोले गलती कर दी तुम लोगों ने ये कालोक वाले ऐसे ही कावर्ड्स हैं अपने फायदे के लिए किसी की भी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन अनन्या दीदी इस बार तो इन लोगों ने लिमिटी क्रॉस कर दी लेकिन अब इन्हें पता चलेगा कि जब बालवीर लिमिट क्रॉस करता है तो क्या होता है अब तक मैं सिर्फ तिमनासा की प्लान्स फेल करता था लेकिन इस बार तिमनासा का चैप्टर ही क्रॉस कर दूंगा मैं विवान माँ तो अभी आराम कर रही है लेकिन जैसे इन्हें होश आ जाएगा तो क्या इन्हें तिमनासा और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होगा नहीं देवो भैया मैं माँ के दर पर और बोझ नहीं डाल सकता मम्मी जब होश में आएंगी तब उन्हें सिर्फ इतना ही याद रहेगा कि हम चिंटू की पार्टी से भूखे लौटे थे और वो हमारे लिए खाना बनाने वाली थी ओके अभी हम माँ को आराम करने देते हैं हम जाते हैं मैं जानता हूँ विवान कि तुम्हारे ऊपर बालवीर की जिम्मेदारी है लेकिन साथ ही साथ तुम एक बेटे भी हो तुम अब आगे क्या करने वाले हो सोच समझ कर बताओ मुझे जैसी माँ मिली है वैसी माँ कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलती है मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ये मेरी ड्यूटी भी बनती है कि मैं तमन्ना की स्टोरी को पूरी तरह से फिनिश कर दूँ मैं जानता हूँ विवान तुम कमजोर नहीं पड़ोगे विवान देबू ब्रेकफास्ट रेडी है आ जाओ बेटा विवान तुम इस सब के बारे में माँ को तो नहीं बताने वाले हो ना कि तुम उनके असली बेटे नहीं हो मम्मी ने इस सीक्रेट को इतने सालों से अपने दिल में छुपा कर रखा और अब मैं उन्हें ये बात बताकर उनके दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहता अरे ऐसा क्या डिस्कशन चल रहा है जो खाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है खाना ठंडा हो जाएगा चलो ना हाँ माँ विवान क्या हुआ तेरी आंखें तो अभी भी लाल है बेटा फिर से कचरा चला गया क्या कचरा गया नहीं है माँ कचरा तो निकल गया और अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि भगवान मेरे साथ हमेशा नहीं हो सकते इसलिए उन्होंने आप जैसी माँ को बनाया ओहो एक मिनट इधर आ इधर बैठ इतना मक्खन क्यों लगा रहा है क्या बदमाशी की है तूने कोई बदमाशी नहीं की है माँ मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ पूछना
उस बच्ची को इतना प्यार कैसे दे सकते हो जो आपका बच्चा है ही नहीं। ये कैसा सवाल है विवान? मैं तो देवो भैया की बात कर रहा था। वो आपके असली बेटे नहीं है, फिर भी आपके दिल में उनके लिए इतना सारा लव कहाँ से आता है? माँ का दिल तो दर्पण की तरह होता है विवान, और उस दर्पण में अपने बच्चों की शक्ल देखकर ही माँ के दिल में प्यार की रोशनी हो जाती है। पता है, यशोदा मैया ने भी श्री कृष्ण को ऐसे ही पाला था। लेकिन जब देवो भैया को पुरानी बातें याद आएंगी और उन्हें पता चलेगा कि आप उनकी असली माँ नहीं है, तब देवू जब अपनी इस माँ के बारे में जो भी फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। जैसे श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर जा रहे थे तो यशोदा मैया ने भी उन्हें अपने पास रोक कर नहीं रखा था। अब चल, खाना लग चुका है, ठंडा हो जाएगा। आजा जल्दी, हाँ जल्दी आजा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था विवान, तुम्हारी जान बचाने का। जन्म के तुरंत बाद ही मुझे तुम्हें खुद से दूर करना पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा। अपनी बच्ची की लाइफ बचाने के लिए अपने दिल के टुकड़े टुकड़े करने की शक्ति तो सिर्फ एक माँ के पास होती है, और इस सैक्रिफाइस के लिए मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मैं तो खुद को लकी फील करता हूँ कि आपकी वजह से मुझे दो माएं, दो बहनें और दो परिवारों का गिफ्ट मिला। मैं तो बस आपको थैंक यू बोल सकता हूँ। मेरा बेटा, मेरा बेटा। हमेशा याद रखना, तुम पर हमेशा पहला हक करुणा जी का ही रहेगा। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इतने वर्षों तक तुम्हारी देखभाल की, अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क सिखाया। यशोदा मैया की तरह वो हमेशा मुझसे बड़ी रहेंगी। माँ बेटे के बीच में कहीं बेटी को मत भूल जाना। विवान, एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। सर्वकाल अब अपना रूप बदलने वाला है। विवान के पास सिर्फ एक प्रहर का समय है उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए। सर्वकाल अपना रूप बदलने वाले, इसका क्या मतलब है शौर्य? अभी ये सब समझाने का समय नहीं बचा है। विवान, तुम तुरंत जाकर सर्वकाल की शक्ति धारण करो, क्योंकि तिमनासा वहां पहुंचने के लिए निकल चुकी है।
खैरानी, कहीं अपनी भविष्यवाणी झूठी साबित करने के चक्कर में आप खाई में कूदने तो नहीं वाली है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। भविष्यवाणी ये है कि सर्वकाल की मदद से वो छुपी हुई शक्ति मेरा वध करेगी। लेकिन सोचो अगर मैं सर्वकाल को ही गायब कर दूं तो? सर्वकाल उस गुफा में है, और सोचो अगर मैं सर्वकाल की शक्तियों को बालवीर की शक्तियों से मिलने ही ना दूं तो? ओ, ना कद्दू कटेगा ना किसी में बटेगा। विवान, वो रहा सर्वकाल मंदिर, जाओ और सारी ताकतें हासिल कर लो ताकि तिमनासा का डेथ वारंट लिखने से तुम्हें कोई ना रोक सके। आ गया बालवीर अपनी बाल मंडली के साथ। तिमनासा के उस केव में पहुंचने से पहले तुम वहां चले जाओ विवान। टिम्मी आंटी ने मेरी माँ पर अटैक करके दुनिया की हर माँ के ऊपर अटैक किया है। आप ये फाइट पर्सनल बन चुकी है। So that is then, अब मैं इस गेम को और तिमनासा को फिनिश करके ही रुकूंगा। अब होगी फाइनल बैटल, यानी अंतिम और निर्णायक युद्ध। तीन, दो, एक। रेडी रहना अनन्या, अब ये रेस किसी भी मोमेंट फाइट में बदल सकती है। तैयार रहना तबा तबा, युद्ध किसी भी पल आरंभ हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए भैराजा, भैरानी ने मंदिर के चारों ओर सुरक्षा कवच का घेरा डाला है और छोटू तो अंदर घुस ही नहीं सकता। कैसे संभव है? मुझे फील हो रहा है कि यह तिमनासा का बनाया हुआ सीक्रेट शील्ड नहीं है, बल्कि ये किसी और ने बनाया है। बट और कौन हो सकता है जो तिमनासा को मंदिर के अंदर जाने नहीं दे रहा?
ये तो सर्वकाल की एनर्जी है। ये सब चल क्या रहा है? क्या हुआ टिम्मी आंटी? काल लोक के टेंपल में काल लोक की क्वीन की न्यू एंट्री हो गई। लगता है इन्हें भी पता चल गया कि आपका दी एंड होने वाला है। अंत तो अब तुम्हारा होगा। अगर मेरे एंड को लेकर इतनी श्योर हो टिम्मी आंटी तो फिर ये सेकेंड एंड बीट लेकर क्यों लड़ना चाहती हो आप? एनीवे आपके पास सेकेंड हैंड लोग हैं तो मेरे पास भी टीम शैडो है। तुझसे अच्छा तो मैं सांप ही पाल लेती। तुम कौन सी लॉयल्टी का एग्जाम्पल हो तिमनासा? तुमने सर्वकाल को धोखा दिया, मेरी फैमिली को धोखा दिया, अब खुद धोखा पाकर इतनी सरप्राइज क्यों हो? विवान, तिमनासा से लड़ाई में हमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें डीप सी डाइविंग करनी है तो तुम्हारा ऑक्सीजन टैंक भी फुल होना चाहिए, और हमारे लिए फुल ऑक्सीजन टैंक मतलब सर्वकाल की शक्ति है, जिसके बिना तुम तिमनासा को नहीं हरा सकते। अरे लेकिन दोस्त, यस यस राइट विवान, अगर हमें तिमनासा का गेम फुल एंड फाइनल खत्म करना है तो अभी उससे लड़ाई करना अननेसेसरी होगा। आई थिंक वी शुड गो। मुझे मालूम है ये लोग उस शौर्य से मार्गदर्शन लेने गए होंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मेरे पास अभी भी एक दुरुप का इक्का है। शौर्य, विवान को सर्वकाल मंदिर के अंदर जाने से कौन रोक रहा था? हाँ, और वो भूल भुलैया जैसा कंफ्यूजिंग सा मेज किसने बनाया था? वो सर्वकाल ने ही बनाया है। वहाँ एक बहुत ही जटिल भूल भुलैया है जिसे त्रिद्वार चक्रव्यूह कहते हैं। लेकिन सर्वकाल तो हमारी हेल्प कर रहे थे ना, तो फिर वो मुझे ही मंदिर के अंदर जाने से क्यों रोक रहा है? इसके पीछे एक कारण है। जिस समय छुपी शक्ति को पहचानने वाला तीर विवान को लगा, ठीक उसी समय सर्वकाल ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी पूरी शक्ति विवान के शरीर में भेज सके। यात्री की तरह अपने मृत्यु का इंतजार करने वाले क्या परानी? मूर्ख, ये मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि इस पेड़ में सर्वकाल की आत्मा समाई हुई है। इस पेड़ के अंदर सर्वकाल का सारा ज्ञान और उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी इस पेड़ से कोई नई स्मृति जुड़ती है तो इस पेड़ का रंग बदल जाता है। इसका मतलब यही है कि इस पेड़ के साथ सर्वकाल का कोई नया रहस्य जुड़ चुका है। लेकिन विवान तो वहाँ सर्वकाल की शक्तियाँ ग्रहण करने गया था, फिर समस्या क्या हुई? अपने शक्ति रूप में आने के बाद सर्वकाल की चेतना खत्म हो चुकी है। अब जो भी उसके सामने सबसे पहले आएगा, चाहे वो विवान हो या तिमनासा, सर्वकाल की सारी शक्ति
उसके शरीर के अंदर चली जाएगी। तो इसीलिए सर्वकाल मंदिर के चारों तरफ त्रिद्वार चक्रव्यूह बन गया ताकि कोई भी उस शक्ति को हासिल ना कर सके। इसका मतलब ये एक फेल सेफ सिस्टम है। तो क्या विवान को वो त्रिद्वार चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा ताकि उसे सर्वकाल की शक्तियां मिल सके? हाँ। तुम शौर्य जल्दी से मुझे उस चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि बताइए, इससे पहले कि टिम्मी आंटी उस मेज को ब्रेक करके सर्वकाल की सारी सुप्रीम पावर्स को अब्सॉर्ब कर ले। फिर जल्दी से पूछिए इसे कि उस चक्रव्यूह के अंदर जाने का तरीका क्या है। ए पेड़, चल जल्दी से जाग जा। अच्छी तुम यहाँ क्या करने आई हो? सर्वकाल को धोखा देकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन पहले मुझे उस त्रिद्वार चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि बता दो। ध्यान से सुनो विवान, इस त्रिद्वार चक्रव्यूह में तीन दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे प्राण घातक जाल बिछा हुआ है। ओके, लेकिन किस टाइप का डेथ ट्रैप होगा उन दोष के पीछे? ये तो तुम्हें द्वार खोलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी से अंदर जाना होगा विमान। बस करो, इस अग्नि को बुझा दो तिम्नासा। इस अग्नि से तुम्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम मुझे वो विधि बताओगे। वचन देती हो? पहला द्वार खोलने के बाद अंतिम द्वार खोलने के लिए केवल एक पहर का समय है। एक पहर के अंदर अगर वो आखिरी द्वार नहीं खुला तो सर्वकाल की शक्ति के साथ साथ पूरा चक्र भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब विवान को तीन घंटे में तीन डिफिकल्ट डोज क्रॉस करने पड़ेंगे। हाँ, और अगर विवान ऐसा नहीं कर पाया तो सर्वकाल की असीम शक्ति तो भस्म हो ही जाएगी, लेकिन साथ में वो शक्ति पृथ्वी और आठ ग्रहों को भी भस्म कर देगी। इसका मतलब उस अंतिम और निर्णायक युद्ध में मुझे तिम्नासा से पहले सर्वकाल की शक्तियां हासिल करके उस डेविल टिम्मी आंटी का एंड करना होगा।